दोस्तों आप लोग को पता होगा सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 को लॉन्च करने वाला है कुछ दिन बाद, और हमारे पास इसके बारे में कुछ लीक हुए फीचर्स के बारे में खबर है। तो मैं आज इस खबर आपको बताने वाला हूँ जो कि लीक हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोल रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमें जो भी हमने आगे जो भी वीडियो बनाए आपको पहले मिल सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर लीक की माने तो ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 और सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस एक साथ शायद लॉन्च होगा, और सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 6.3 इंच की एक डिस्प्ले से आएगा जो कि फुल एचडी प्लस, और एमोल्ड प्लेट भी मिलेगा। और ये एमोल्ड प्लेट जो है वो आएगा 60Hz के रिफ्रेश रेट में। और उसके बाद इस फोन के जो रैम और स्टोरेज के बारे में बात की गई है जो लीक आया है, इसके अनुसार इस फोन के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलेगा। और आप चाहे तो इसको इसके अंदर माइक्रो एसडी कार्ड लगा के स्टोरेज बढ़ा सकते हो। और बैटरी के बारे में बात करें तो ये 3600mAh की बैटरी आएगा जो कि थोड़ा वीक लगता है मुझे, और चार्जिंग थोड़ा खास है क्योंकि यहाँ पे 25W का फास्ट चार्जिंग ऑप्शन दिया हुआ है जिसके वजह से आप जल्दी फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे। और जो आपको पता है कि सैमसंग अपनी फ्लैगशिप फोन्स में ये जो एस पेन एयर गेस्चर दे रहा है वो इस फोन में ही दे रहा है। और इस फोन की रियर कैमरा के बारे में बात करते हो कुछ ज़्यादा नहीं, पर 12MP का एक मेन कैमरा, 16MP का एक वाइड एंगल कैमरा और 12MP की एक डेप्थ सेंसर कैमरा दे रहा है जो कि टेलीफोटो सेंसर है, और इसके वजह से आप बहुत अच्छा फोटो ले पाएंगे और सेल्फी में भी उसका अच्छा खासा पिक्चर आएगा। और आप लोगों को पता होगा कि सैमसंग ने अपनी जो कैमरा की फीचर दे रहा है इस कैमरा में बहुत ही अच्छा खासा फोटो ले सकते हो। तो आप चाहिए तो ले सकते हो जब आएगा। और मैं ये भी बता देता हूँ जब भी ये फ़ोन की फुल स्पेसिफिकेशन कन्फर्म होगी ऑफिशियली तब मैं फिर से दोबारा वीडियो बनाकर डाल दूँगा, और आप तभी फिर से देख लेना, इसलिए सब्सक्राइब करके ही जाना।